अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर ITC। मैं हूँ शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सिंगल स्टूडेंट मार्कशीट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, 9 क्लास की, मैट्रिक क्लास की, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की जो मार्कशीट्स होती हैं वो किस तरह से बनती हैं। वो जो मार्कशीट्स होती हैं वो सिंगल सिंगल स्टूडेंट की होती हैं, तो वो किस तरह से बनेंगी ये आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मार्कशीट बनाना सीखी थी, लेकिन वो ओवरऑल पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन आज जो हम ये बनाने वाले हैं मार्कशीट, ये सिर्फ और सिर्फ उसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी जिसकी ये होगी, मतलब सिंगल स्टूडेंट मार्कशीट। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से हम बनाएंगे, क्या क्या फॉर्मेट होगा या कौन कौन से फॉर्मूलाज इसमें यूज़ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक्सेल पे आने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कॉलम छोड़ के यहाँ मैंने लिख लिया सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी सीरियल नंबर लिख लूँगा कि इसका जो भी सीरियल नंबर होगा। फिर मैं आया यहाँ पे, यहाँ आने के बाद मैंने लिख लिया इधर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया रिसिपिएंट नंबर, सही। और इसको भी मैं जो है कैपिटल फॉर्म में कर लेता हूँ, सीरियल को भी। इसके बाद एक कॉलम छोड़ के मैंने यहाँ पर लिख लिया इसका नंबर, कोई भी नंबर दे देता हूँ मैं इसको ऐसे रैंडम, ठीक है, सही। यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिख लिया कि हमारी ये जो मार्कशीट है इसका सीरियल नंबर क्या है, और रिसिपिएंट नंबर लिख लिया हमने यहाँ पर, कोई भी जो भी आप लिखना चाहें, मतलब सीरीज़ के मुताबिक होता है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करा, फिर मैंने एक रॉ छोड़ दी। एक रॉ छोड़ने के बाद यहाँ से मैंने इतने कॉलम्स को सिलेक्ट किया, कितने, बीच में से दो यहाँ से छोड़े, दो यहाँ से छोड़े, ताकि सीक्वेंस आ जाए, और मर्ज कर दिया और ये सेंटर भी रहे। फिर मैंने क्या करा, इसकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ा ली। यहाँ पर मैं लिखूँगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची वगैरह, जो लिखा हुआ था ना हमारी मार्कशीट्स पे, वो कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। कैसे मैं लिख लेता हूँ, देन फर्दर उस पर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मैंने लिख लिया बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ कराची, ठीक। और इसको कर लेते हैं हम सेंटर में, बोल्ड कर देते हैं इसको, और इसका साइज़ हमें बड़ा करना है तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं। और ये जो लिखे हुए मेरे पास सीरियल नंबर और रिसिपेंट नंबर, इनको मैं थोड़ा सा इनका फॉन्ट साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर रहा हूँ, 9 रख लिया मैंने, ठीक है। और इसको मैंने अगेन दो दो सेल्स, मतलब एक सेल यहाँ से एक सेल यहाँ से और मर्ज कर लिया, ताकि अच्छा खासा इसमें स्पेस आ जाए और मैं इसका नाम थोड़ा और बड़ा कर सकूँ, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करके देखता हूँ तो क्या लुक आ रही है, कुछ इस तरह की लुक आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से इतने सेल्स को करवा दिया मर्ज सेंटर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, और जो लिखा हुआ था SSC पार्ट 2-1 जो भी होता है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिख लिया स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स SSC एग्जामिनेशन फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट ओनली, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ मार्कशीट उनको मिलेगी जिन्होंने सक्सेसफुली ये हमारा एग्ज़ाम जो है पास किया है, जो फेल हुए हैं उनके लिए ये नहीं है, या ये लिखा हुआ, ठीक है। अब इसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं चाह रहा हूँ भाई इसका साइज़ जो है थोड़ा सा कम कर दो आप, ठीक है। कम करने के बाद 9 कर लिया मैंने इसका साइज़, और इसको मैं सेट कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब मैं आया यहाँ पे, एक रॉ मैंने छोड़ दी स्पेस के लिए, देन मैं आया यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने लिख लिया एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया एग्जामिनेशन, और यहाँ पर मैंने लिख लिया रोल नंबर। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि सप्लीमेंट है या एनुअल है, तो बेसिकली हम किसके लिए बना रहे हैं, जो पास हो चुके हैं, तो ये क्या होगी, एनुअल, सप्ली नहीं होगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एनुअल, जो भी जिस भी ईयर की है वो यहाँ पर हम ईयर लिख देते हैं। इसके बाद मैं इसको एक रोल नंबर पुट कर देता हूँ, देन फिर फर्दर आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया एग्जामिनेशन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने रोल नंबर। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास लिखी हुई है ना चीज़ें, ये मुझे बोल्ड भी करवानी है, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया और इनको मैंने बोल्ड कर दिया। ऐसे ही मैंने इनको भी सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इनको भी करवा दिया बोल्ड, ठीक है। तो हमारी मार्कशीट कुछ रेडी होती जा रही है, कुछ इतनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे बताना है कि भाई ये किस ग्रुप का है, मतलब जिस बंदे की मैं ये बना रहा हूँ वो किस ग्रुप से रिलेट करता है। तो यहाँ पर मैं ग्रुप लिख लेता हूँ, साइंस आर्ट जो भी है, ठीक है। मैंने लिख लिया साइंस ग्रुप, और
इनका साइज़ मैंने 11 रखा, सॉरी इनका साइज़ मैंने 9 रखा और इनको कर दिया मैंने बोल्ड, ठीक है। और इसको मैं चाहता हूँ ये आ जाए थोड़ा सा बीच में, तो मैं इसको करवा दूंगा यहाँ से सेंटर, सही है। अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन पे कि बच्चे का नाम क्या है, कौन से स्कूल से इसने पेपर दिया है वगैरह वगैरह, उसका एड्रेस क्या है, वो सब हम अब मेंशन करते हैं। अच्छा अब मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने 1 2 3 तीन लाइन छोड़ दी और चौथी रॉ पे आया मैं, और यहाँ पर मैंने लिख लिया नेम, ठीक है। इसके नीचे लिख लिया मैंने फादर नेम, और एक रॉ छोड़ के मैंने यहाँ लिख लिया सही स्कूल और प्राइवेट, ठीक। अब मैं आया यहाँ पे दो कॉलम छोड़ के यहाँ आया मैं, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसका नेम, मैंने लिख दिया इसका नेम अहमद अली, ठीक है। फादर नेम मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। फादर नेम मैंने लिख दिया यहाँ पे वक्कार हुसैन, और इनका भी साइज़ मैं रखूँगा 11, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इनका साइज़ भी कर दिया 9, ठीक है। और बोल्ड करना है या तो आप एक साथ सबको कर लो ये सब, या इंडिविजुअल इंडिविजुअल कर लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं लिख लूँगा स्कूल का नेम और उसके नीचे लिख दूँगा उसका एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर दी एक्स वाई जेड स्कूल, ओके। और यहाँ पर मैं बता दूंगा उसका एड्रेस, ठीक है। ये मैंने एड्रेस भी दे दिया, नेम भी दे दिया, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन आ गई, जहाँ से इसने मैट्रिक किया है वहाँ की भी इंफॉर्मेशन आ गई, और वहाँ का एड्रेस भी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके जो मार्क्स हैं सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एरिया बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसके बाद आके मैंने दो रॉस छोड़ दी और तीसरी रॉ पे आ गया। तीसरी रॉ पे आने के बाद, ठीक है, मैंने अब क्या किया, यहाँ पे दो कॉलम्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया, यहाँ पर भी मर्ज कर दिया, लेकिन इनको थोड़ा सा बड़ा रखा, इनको थोड़ा सा छोटा रखा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा काम इतना हो गया है, सही। अच्छा इनको सिलेक्ट करके मैं बॉर्डर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे कि हुआ क्या, सही। कुछ इस तरह का सीन हुआ है। यहाँ पर मैं लिख लूँगा कॉम्पोनेंट 1, यहाँ पर आ जाएंगे कॉम्पोनेंट 2, यहाँ आ जाएंगे इनके इंडिविजुअल मार्क्स, ठीक है। कॉम्पोनेंट मतलब 1 मतलब 9 और कॉम्पोनेंट 2 मतलब 10, ठीक है। ये मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, देन फिर देखते हैं इनको सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सही है, ठीक है। मैंने लिख लिया कॉम्पोनेंट 1 मार्क्स, कॉम्पोनेंट 2 और उसके मार्क्स, सही। अच्छा फिर मैंने क्या करा, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनको कर दिया मर्ज। यहाँ पर फर्स्ट पे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास वो आ जाएगा जो लिखा हुआ होता है यहाँ पर, ऐसे ही ये मुझे नीचे भी चाहिए, मैंने इसको नीचे भी कॉपी कर लिया, ठीक है, सही है। पहले अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसमें वर्किंग करेंगे कि हमें किस में क्या क्या करना है, ठीक है। ऐसे ही मैं आ गया यहाँ पे, इसको भी मैंने मर्ज कर दिया और यही चीज़ मुझे नीचे भी चाहिए, तो मैंने इनको यहाँ तक करवा लिया कॉपी, ठीक है। वन टाइम ये बनाया था मैंने, 1 2 3 कॉपी कर लिया और इन सबको किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इनके भी कर दिए मैंने ऑल बॉर्डर्स, ताकि आपको नज़र आए कि स्ट्रक्चर क्या बना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है हमारे पास, सही है। अब मैं सबसे पहले सब्जेक्ट्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, सब में कॉम्पोनेंट 1 कॉम्पोनेंट 2 में सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिख देता हूँ, देन फिर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, अब मुझे इसमें देनी है नंबर, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करवाना है मुझे नंबर, तो वो हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले सिंधी, तो सिंधी में इस बच्चे ने कितने मार्क्स हासिल किए वो मुझे लिखने, तो इसने सिंधी में हासिल किए हैं 50 मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उर्दू में इसने कितने मार्क्स हासिल किए हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, कितने किए हैं 75, ठीक है। इंग्लिश में इसने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, मैंने कहा भाई 60, इंग्लिश 2 में कितने लिए हैं 40। और यहाँ आ जाओ आप, और इनको पहले तो मैं कर देता हूँ सबको सेंटर। ये वो मार्क्स हैं जो इस बच्चे ने हासिल किए हैं पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, अब कितने में से हासिल किए हैं वो हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। अच्छा इन दोनों को अगर कंबाइन करूँ, वैसे तो ये होता है 50 मार्क्स 150 का, और ये भी होता है 150 का कंबाइन करके। अब अगर हम इन दोनों की बात करें, इनको कंबाइन करके ये हो जाएंगे 100, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करके ये हो जाएगा 125, तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिए। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आते हैं हमेशा राइट साइड पे,
तो मैंने टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करके राइट पे करवा दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, अब ये जो है पाकिस्तान स्टडीज़, इनको मैंने कर लिया यहाँ से कंबाइंड, मतलब मर्ज कर लिया। और ये पेपर होता है 75 मार्क्स का, और इसमें से इस बच्चे ने कितना हासिल किया वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऐसे ही इस्लामियात का भी कंबाइंड पेपर होता है, तो मैंने इसको कंबाइन किया यहाँ से। और ये सेंटर में नहीं, मुझे लेफ़्ट पर ही चाहिए। ठीक है, कितने का पेपर होता है 75, इसमें से इसने कितना हासिल किए 68। ठीक, क्या करना था, जो टोटल मार्क्स हैं उन्हें रखना है राइट पे, ये कर दिया मैंने। अब आ गया मैं यहाँ पर, मैथ का भी कंबाइंड पेपर होता है, तो मैंने इसको कंबाइन करा और लेफ़्ट कर दिया। लेफ़्ट करने के बाद कितने का पेपर होता है 100 मार्क्स का, उसमें से इसने कितना हासिल किए, फॉर एग्ज़ाम्पल 90। ठीक है, अब आ जाते हम यहाँ पर, कंप्यूटर फिजिक्स और केमिस्ट्री। यहाँ पर आप बायो भी ले सकते हो, मैंने कंप्यूटर ली हुई है, उसमें थ्योरी में और उसमें प्रैक्टिकल में। फिजिक्स का क्योंकि आपने देखा होगा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और थ्योरी भी होती है, तो न्यूमेरिकल्स और थ्योरी मिला के थ्योरी में आ गए, और प्रैक्टिकल जो होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो कहलाता है आपका प्रैक्टिकल। तो उस पर कितने मार्क्स हासिल किए, ये सब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, पहले मैं इनके लिख लेता हूँ टोटल मार्क्स, 75 थ्योरी और 25 प्रैक्टिकल। यही सेम मुझे नीचे भी चाहिए, कंट्रोल सी और सेलेक्ट करके पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, अच्छा अब इसमें से इन्होंने कितने मार्क्स हासिल करे वो आप लिख दोगे इसके बराबर वाले कॉलम में। मैंने कहा भाई इसने कंप्यूटर की थ्योरी में मार्क्स हासिल किए हैं 70, प्रैक्टिकल में इसने लिए हैं 20, और फिजिक्स की थ्योरी में इसने लिए हैं 68 और प्रैक्टिकल में 23, इसमें लिए हैं इसने 71.5, सही है, और इसमें लिए हैं इसने 24। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया हमारा प्रोसेस कि हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मार्क्स के साथ साथ, और हमने सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हमने यहाँ तक का एरिया कंप्लीट कर लिया। अब अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ तो देखें हमारी मार्कशीट कुछ इतनी रेडी हो चुकी है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैंने क्या करा, दो रॉस छोड़ दिया अगेन ताकि थोड़ा सा स्पेस जनरेट हो जाए, और उसके बाद मैंने ये किया कि यहाँ से मैंने इन तीन सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद ठीक है, मैंने यहाँ से दो दो सेल्स अपने मुताबिक मर्ज कर लिए। मर्ज करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे, और इनको पहले मैं बॉर्डर्स दे देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि हमने किया क्या, ऑल बॉर्डर्स, सही कुछ ये काम कर लिया मैंने। फिर मैंने क्या करा, मैं आया नीचे, मैंने इनको सेलेक्ट किया मर्ज कर दिया, और इसको सेलेक्ट किया मर्ज कर दिया, ऐसे ही ये मुझे नीचे भी चाहिए, सेम मैंने इनको सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। ठीक ठीक है, अब यहाँ पर बॉर्डर्स कर लो, पहले यहाँ पर मुझे लिखना है टोटल कि इस बच्चे ने टोटल मार्क्स कितने लिए, और यहाँ पर मैं लिखवा दूंगा आउट ऑफ, मतलब कितने ऑप 10 जो हासिल की है वो यहाँ आ जाएंगे, और कितने में से हासिल किए वो यहाँ आ जाएंगे आउट ऑफ करके ना। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया ग्रैंड टोटल, सही है, और यहाँ पर मैं आया, यहाँ आ जाएंगे इसके टोटल, और आउट ऑफ मतलब कितने में से वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चाहिए सबका टोटल, तो मैंने क्या करा, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया, इन सबको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आ गए मेरे पास, और मुझे और क्या ऐड करना था, मुझे और इनमें ऐड करना ये था कि ये भी थे हमारे मार्क्स। ठीक है, ये कॉमा ये था, सही, इसलिए मैंने सारे टोटल मार्क्स को लिखा है राइट साइड पे ताकि मैं इजीली इनको कंबाइन करवा दूँ। सबको सेलेक्ट करके आपके पास टोटल मार्क्स कितने हो गए कॉमा, और यहाँ पर हमारे पास मैथ के मार्क्स भी थे, ये रहे, इंटर। तो आपके पास टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 850। अब यहाँ पर हमें निकालना है ऑप 10, सेम ऐसे ही निकालोगे, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले तो ये ले लो ताकि एक साथ है ना, ये ले लो कॉमा, मैथ के मार्क्स ले लो, मैथ के मार्क्स 100 में से 90 आए थे कॉमा, और यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आपके पास या तो आप इसको ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो, या आप डायरेक्ट इस पूरी रेंज को ले लो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ब्रैकेट क्लोज करो, इंटर। तो आपके पास
कितने मार्क्स आ गए, 591.5, कितने में से, 850 में से। अच्छा एक और चीज़, हमने यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए ही नहीं है, कौन कौन से, पाकिस्तान स्टडीज़ ये कौन लेगा 70, इस्लामियात ये 60 कौन लेगा, ठीक है। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपके पास गलत आंसर आ रहा है ना, जो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है आपके पास नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपने कोई मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट के मिस कर दिए होंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए मिस करके दिखाया कि आप लोग समझें, यार यहाँ पर तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, हम जब कर रहे हैं प्रैक्टिस तो हमारे पास तो इतने मार्क्स आ रहे हैं क्यों, ये देखें आपने ये मिस्टेक की भी होगी। तो यहाँ पर आप मेक श्योर करें एक दफ़ा लाजमी कि आपने क्या सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लिए। ये आ गए हमारे पास, अब आया है करेक्ट आंसर 729.5, इतने मार्क्स इसने लिए हैं 850 में से, ठीक है। फिर यहाँ आया मैं और यहाँ पर मैंने लिख लिया परसेंटेज, यहाँ पर मैं इसको दूंगा परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला ये होता है इज इक्वल टू ऑब्टेंड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो ये आ जाएगी इसकी परसेंटेज, ठीक है। अब ये बहुत बड़े नंबर में आ रही है, मैं इतना बड़ा नंबर नहीं चाहता, तो मैं इसको करवा दूंगा यहाँ से डिक्रीज डेसिमल। इससे क्या होता है कि आपका जो नंबर्स होते हैं उनको आप डेसिमल पॉइंट को आगे या पीछे, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हो। नेक्स्ट, अब मुझे निकालना है इसका ग्रेड। ग्रेड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इफ़ का फॉर्मूला, जो कि हम उस शीट में भी पढ़ कर आए थे, क्या इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब ये हमसे बोल रहा है कि भाई लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में हम दे देंगे परसेंटेज सेल, सही है। फिर हम यहाँ बताएंगे कि ये बड़ा होना चाहिए, बड़ा हो या बराबर हो किसके, नाइन्टी के, ठीक है। तो आप क्या दो, आप दे दो उसको ए प्लस, सही। और फिर क्या करो, इसी कंडीशन को सिलेक्ट कर लो, कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पर कर दो 80 और ये हो जाएगा आपका ए। अगेन पेस्ट कर दो और यहाँ पर इस तरह से फर्दर आप इसको कंडीशंस देते जाओ, ये हो जाएगा बी। ऐसे ही मैंने इसको कर लिया 60, ये हो जाएगा सी, पेस्ट किया अगेन और इसको कर लिया मैंने 50, ये हो जाएगा डी, सही। मैंने कहा बस अब 50 से नीचे कोई भी आया तो उसको फेल कर देना, तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास में फेल लिख दिया, जितने ब्रैकेट्स ओपन हुए थे वो सब मैंने कर दिए क्लोज। ये वही फॉर्मूला जो हम लोग प्रीवियस मार्कशीट में पढ़ कर आए थे, जो हमने बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट एक ही साथ बनाई थी, सही। एंटर कर दो तो इसका आएगा ए प्लस, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन यूज़ कर लिया था पहले, तो मैंने इसको सेट कर लिया, तो अब मेरे पास ये कंडीशन सही आ रही है। पहले मेरे पास ए प्लस आ रहा था, तो वही मैंने देखा कि यार ए प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 90 से तो अब है ही नहीं, तो मैंने वहाँ पर यूज़ करना था मुझे ग्रेटर देन, उसकी जगह मैंने यूज़ कर लिया था लेस देन, इस वजह से इशू आ रहा था, ये हो गया सेट। एक दफ़ा आप लोग भी मेक श्योर कर लीजिएगा कि हमने जो कंडीशन दी है, हमने क्या कंडीशन दी है, वैसे ही मैंने आपको समझाया है इफ़ का क्या काम होता है, नेस्टेड इफ़ क्या होता है। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर समझना चाह रहे हो ठीक से, तो आप वो क्लास देख सकते हैं, या मैंने आपको ये मार्कशीट में भी सिखाया था। मैं सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, जो आज की क्लास से न्यू आ रहे होंगे उनके लिए ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इफ़ इफ़ किस पे काम करता है, कंडीशन पे। अगर हमारा परसेंटेज वाला सेल बड़ा हो या बराबर हो 90 के, तो क्या आंसर आना चाहिए, ए प्लस। इफ़ अगर हमारा परसेंटेज सेल बड़ा हो बराबर हो 80 के, तो आंसर आना चाहिए ए। ऐसी सो ऑन मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ रहा है ग्रेड में ए, ठीक है। अच्छा, अब हमने ग्रेडिंग वगैरह कर ली, अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं इसकी जो हमें मेंशन करनी होती हैं, जो आप लोगों ने देखा भी होगा मार्कशीट पे लिखी हुई भी होती हैं, वो क्या होती हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे मैं आया यहाँ पे, इसको करवा दिया मैंने मर्ज, ठीक है। तो नीचे के सेक्शन में बस ये कुछ चीज़ें होती हैं, ग्रेड इन कॉम्पोनेंट 3 अवार्ड बाय द स्कूल इन, ठीक है। यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा और ग्रेड जो है यहाँ पर वो आ जाएगा, किस डेट को इशू हुई है ये वो आ जाएगी, और यहाँ पर साइन आ जाएगा
जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हेड है उसका, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आती है कि ये लाइन कैसे बनी। तो देखो, सिंपल मैंने क्या करा, इस इतने सेल्स को सिलेक्ट करके कर दिया मर्ज, और आपके पास एक बटन होता है शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर, या प्रेस कर दो ये आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है, या प्रेस करते जाओ, इस तरह से ये बन गई आपकी लाइन, ठीक है। और आप ऐसे कर सकते हो, वैसे इसके और भी तरीके हैं, इंसर्ट टैब से आप शेप से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी हमने एक्सेल के ट्यूटोरियल में, एक्सेल के क्लासेस में, या एक्सेल की सीरीज़ में अभी हमने इंसर्ट टैब नहीं पढ़ी, हमने शेप्स नहीं पढ़े। वैसे अगर आप लोग एमएस वर्ड की सीरीज़ से हमारे साथ चल रहे हैं, तो एमएस वर्ड में मैंने आपको प्रॉपर शेप्स पे वर्किंग करवाई थी, और बताया भी था, समझाया था क्या होता है शेप। तो आप शेप से यहाँ से सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैंने अभी एक्सेल की सीरीज़ में इंसर्ट टैब नहीं पढ़ाई है, तो हो सकता है कि जो लोग एक्सेल पढ़ रहे हैं उन्होंने एमएस वर्ड ना पढ़ा हो, उनके बारे में थोड़ा सा नई चीज़ हो, डिफ़िकल्ट हो, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया इजीली, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं, तो ये देखें हमारी मार्कशीट की लुक कुछ इस तरह की आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ये ट्यूटोरियल आपको आसान लगा होगा, इजी लगा होगा। थोड़ा सा आप लोग घूमे होंगे या कहीं आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है, आपको भी इजीली आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि नई आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके, और उनको देख के, उनको सीख के, उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ, नई चीज़ों के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।